हेलो फ्रेंड्स, कुछ एक वीडियोस पे हमारे को काफी सारे कमेंट्स मिले हैं कि नाभि के नीचे जो स्पेसिफिकली पेन होता है या निचले हिस्से में जो भारीपन लगता है उसके क्या कारण है, ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आखिर नाभि के नीचे दर्द क्यों होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर नाभि के नीचे दर्द होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाभि के नीचे जब भी पेन होता है तो उसे पेडू के दर्द के नाम से भी जानते हैं, दूसरा लोअर एब्डोमिनल पेन भी कहा जाता है, या फीमेल पेल्विस का जो भी पेन होता है वो नाभि के नीचे के हिस्से के अंदर ही काउंट होता है। यानी कि यदि आपको नाभि के नीचे ही हिस्से में दर्द हो रहा है तो आपको जनरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और यदि नाभि के ऊपर पेन हो रहा है यानी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है तो एक जनरल सर्जन का कंपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि पेट के भी दो हिस्से डिवाइड कर रखे हैं, अपर एब्डोमिन लोअर एब्डोमिन, अपर एब्डोमिन गोस टू द जनरल सर्जन एंड लोअर एब्डोमिन गोस टू द गायनेकोलॉजिस्ट। सो फीमेल पेल्विस के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके कारण पेन हो सकता है, यानी कि यूट्रस होता है, ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती है और उसके आसपास का हिस्सा होता है, या रेक्टम होता है यानी कि लैट्रिन की थैली होती है, किडनी को ब्लैडर से जोड़ने वाली जो नली होती है यूरिटर वो होती है, और ब्लैडर इटसेल्फ। सो ये पांच छह चीजें होती है जो लोअर एब्डोमेन में काउंट होती है। तो यानी इन सब चीजों में यदि किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको लोअर एब्डोमेन में भारीपन लग सकता है, या फिर आपको पेड़ में दर्द हो सकता है, या नाभि के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। अब दर्द होता है जो किस प्रकार का हो सकता है, दर्द मरोड़े वाला दर्द हो सकता है, रुक रुक के दर्द आ सकता है, लगातार दर्द हो सकता है, या माइल्ड पेन हो सकता है, या सिवियर पेन हो सकता है। तो यदि आपके दर्द की फ्रीक्वेंसी या दर्द का सिवियरिटी काफी ज्यादा है यानी कि बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वो कोई इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा डल एक चल रहा है तो हो सकता है कि वो आप धीरे धीरे उसको इग्नोर कर रहे हो और बाद में जाके जब उसका सिवियरिटी बढ़ता है तब आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, या फिर कई बार बिल्कुल ऐसा पेन हो रहा है कि दर्द आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो मरोड़े मार के जो पेन आता है या स्पास्मोडिक पेन जो हमारी लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं, दैट काइंड ऑफ द पेन मे बी देयर। अब ये जो पेन का कैरेक्टर आप जब हमें बताते हैं कि मुझे इस तरीके का दर्द हो रहा है, उसी के हिसाब से आपका डायग्नोसिस थोड़ा क्लियर हो पाता है, क्योंकि हम पहले आपसे हिस्ट्री लेते हैं कि आपको किस प्रकार का पेन हो रहा है। अब आप हमें कहते हैं कि बहुत अक्यूट सिवियर पेन हुआ है, और तब एक बार पेन एकदम स्टार्ट हुआ और उसके बाद अभी हो ही जा रहा है लगातार, तो ये कोई इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ओवरी ट्विस्ट हो गई, या ओवरी के साथ में ट्यूब ट्विस्ट हो गई, या फिर कोई अपेंडिक्स का हिस्सा वहां आके चिपक गया जो कि एकदम पेन हो सकता है, या आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, या आपके ट्यूब में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो स्पैंड हो गई है यानी कि एक तरफ से फूल जाती है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो जो मोस्ट कॉमन कंडीशन दो होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दूसरा होता है ओवेरियन टॉर्जन या ट्यूब का टॉर्जन, यानी कि घूम जाना, जिसकी वजह से उनका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और पेन में यानी कि आपको लोअर एब्डोमेन में काफी सिवियर पेन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत सोनोग्राफी करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि यदि ओवेरियन टॉर्जन है तो उसका तुरंत ऑपरेशन होता है ताकि ओवरी को डैमेज होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी है तो भी तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है ताकि ट्यूब को फटने से बचाया जा सके और आगे आपकी जान को बचाया जा सके। यदि आपको बहुत ज्यादा तेज पेन नहीं हो रहा, डल एक हो रहा है, लगातार हो जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको गैस्ट्रोएंटाइटिस हो, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, या आपको यूट्रस के अंदर पीआईडी हो यानी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि एक बार आप सोनोग्राफी करा लेंगे तो डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स आपको दे दी जाएगी जिससे कि आपका इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है या आंतों में रुकावट हो रखी है तो उसको फिर स्पास्मोडिक पेन होता है यानी रुक रुक के दर्द होता है, जिसकी वजह से उसको मरोड़े आने वाला दर्द कहते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप कोई लक्सेटिव यानी पेट साफ होने की दवाई लेंगे तो डेफिनेटली आपका ये क्रैम्प रिलीव हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पेन आता है वो आता है कि पूरे महीने भर आपको दर्द हो रहा है, महीने के साथ आपका दर्द बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन होता है आपका मेंसेस से और हार्मोनल इंबैलेंस से। ऐसे स्थिति में एंडोमेट्रियोसिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे भूला नहीं जा सकता। और एक पीएमएस भी एक चीज होती है जिसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, जिससे कि लोअर एब्डोमेन में भारीपन और क्रैम्प्स क्रिएट होते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस और वाटर रिटेंशन के कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सोनोग्राफी अगेन लाइफ सेविंग इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि हमें पता चल पाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट
रिक्वायरमेंट आपको बताया जा सके। अब कुछ डायग्नोसिस ऐसे होते हैं इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डायग्नोसिस ऐसे होते हैं इसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका परफेक्ट डायग्नोसिस बने, और परफेक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए आपको चाहिए कि परफेक्ट डॉक्टर और उसके बाद एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि सारी चीज क्लियर हो सके और आपका फिर परफेक्ट डायग्नोसिस होकर परफेक्ट ट्रीटमेंट हो सके। ऐसे स्थिति में हम आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो आपको जब भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे नंबर पर फोन करके हमसे सलाह ले सकते हैं। हम आपके साथ आपकी हर बीमारी में साथ देने के लिए खड़े हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।